हिमाचल प्रदेश की विंटर कार्निवल मनाली में विंटर क्वीन 2024 का खिताब मनाली की निशा ठाकुर के नाम रहा। खिताब जीतने के बाद विंटर क्वीन 2024 निशा ठाकुर अपने गांव पहुंची। वहीं गांव पहुंचने पर परिवार वालों और गांव वालों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पिता रेवत राव का कहना है कि आज सभी परिवार वाले बेहद खुश हैं। बेटी निशा ठाकुर का प्रेणी गांव आने पर भव्य स्वागत हुआ और गांव वासियों ने बेटी को अपना आशीर्वाद दिया। विंटर क्वीन 2024 निशा ठाकुर का कहना है कि विंटर क्वीन टाइटल जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने कहा कि कंपटीशन बहुत ही टफ था और सभी प्रतिभागियों ने हर राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले मैं प्री निवासी का नमस्कार करती हूँ और मेरा नाम निशा ठाकुर है और जैसे कि आपको पता है मैं प्रीनी की रहने वाली हूँ और आज मैं विंटर कार्निवल 2024 का क्वीन का खिताब लेके आई हूँ और आज मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी जनरेशन के लिए स्पेशली कि जो बेटियां आगे नहीं बढ़ पाती है बिकॉज ऑफ उनके पेरेंट्स या उनकी जो छोटी सोच है जो उनके पेरेंट्स आगे उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं इस लाइन में इस फील्ड के लिए या किसी भी फील्ड के लिए, मैं चाहती हूँ स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, क्योंकि एक माँ बाप का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर फील्ड के लिए। तो सबसे पहले मैं यही चाहती हूँ और थैंक यू प्रीनी के लिए कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया और मैं आज बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने मेरे को प्राउड, बहुत इनसे ज़्यादा मैं प्राउड हुई हूँ, तो थैंक यू सो मच। खुश हूँ मैं कि मेरी बेटी जो है विंटर क्वीन मनाली से कार्निवल से चुने गई, गांव का प्रेणी गांव पंचायत का रोशन किया है कि अपनी बेटी पर गर्व भी है और मेरी बेटी पहले के दिखाना है गांव के लिए। आज हमें प्रेणी गांव को बहुत गर्व है कि निशा ठाकुर मनाली विंटर क्वीन का ताज लेके आई। मैं पूर्व प्रधान कुंदन लाल सभी बच्चों को संदेश देना चाहता हूं कि नशे से दूर रहे और निशा को मैं बधाई देना चाहता हूं और इनके माँ बाप को भी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। युग में बेटियाँ ही हमारे माँ बाप का नाम रोशन करती है।